हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 12 बीमार का इलाज, इसका एक्सरसाइज वर्क आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, आपको हम सिखाते हैं। देखिए घ नंबर में सही शब्द से रिक्त स्थान को भरिए। पहला नंबर, गांव का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, यहाँ क्या होगा बच्चों, गांव। फिर नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भटनागर इस डैश में कदम नहीं रख सकता, घर, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, घर। नेक्स्ट देखिए, बिना अनुभव के समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या है, अनुभव, यहाँ क्या होगा बच्चों, अनुभव। चार नंबर में, बस थोड़ा मार्जन रह गया है बाबूजी, मार्जन। नेक्स्ट देखिए, मेरा कहना मानो और विनोद को डॉक्टरों को दवा पीने दो, विनोद। तुम पढ़ लिख कर भी ना समझ ही रहे, ना समझ। सेवन नंबर, प्रतिमा को तो डॉक्टर गुप्ता से लाभ हुआ था, डॉक्टर। अब सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है। एक नंबर देखिए, क्रांति का समावयस्क मित्र कौन था, चंद्रकांत, विनोद, हरिचंद, विनोद। टू नंबर, इनमें से पुराने विचारों की महिला कौन थी, सरस्वती। इस एकांकी में कौन बीमार पड़ जाता है, विनोद, विनोद थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सोचता है कि उसकी छुट्टियां बेकार हो गई है, चंद्रकांत, टू नंबर ऑप्शन। फाइव नंबर में, डॉक्टर गुप्ता किस पद्धति से इलाज करते हैं, होम्योपैथी, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। विनोद कहाँ से कहाँ आया था, इलाहाबाद से आगरा, वन नंबर ऑप्शन सही है। सही मिलान कीजिए, कांति, कांति चंद्रकांत का बड़ा पुत्र, डॉक्टर नानक चंद, होम्योपैथिक डॉक्टर विनोद, विनोद। विनोद होगा कांति का समवयस्क मित्र, सुखिया बूढ़ा नौकर, प्रतिमा कांति की बहन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, भाषा ज्ञान, शब्द ज्ञान का, निम्नलिखित शब्दों के समरूपी भिन्नार्थक शब्द लिखिए। अंतर, अंतर का मतलब होता है अलग, अंतर का मतलब अलग। अंदर का मतलब भीतर, अंदर का मतलब भीतर। नेक्स्ट देखिए, जाया, जाया का मतलब पत्नी, जाया, जाया का मतलब बेकार, नष्ट, बेकार भी आप लिख सकते हो या नष्ट। थ्री नंबर, लौटना, लौटना मतलब वापस आना, कहीं जाकर वापस आना। और लौटना, कष्ट से करवट बदलना, कष्ट से करवट बदलना। दिन, दिन का मतलब दिवस, दीन, दीन का मतलब गरीब। पांच नंबर देखिए, कांति, कांति का मतलब छवि, क्रांति, क्रांति मतलब भारी परिवर्तन। अन्य, अन्य मतलब दूसरा, अन्य मतलब अनाज। बाग, बाग मतलब उपवन, या तो फिर बगीचा, बगीचा भी आप लिख सकते हो। बाघ, बाघ मतलब एक पशु जानवर। कुल, कुल मतलब वंश, कुल,
कुल मतलब किनारा। नेक्स्ट देखिए ख नंबर में, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। नौकर, नौकर का चाकर, दास। मित्र, मित्र का दोस्त, सखा। दरवाज़ा, द्वार, कपाट। द्वार, कपाट। संपन्न, धनवान, दौलतमंद। दे, शरीर, बदन। जंगल, वन, अरण्य। गांव, ग्रामीण, ग्राम। कोशिश, प्रयास, प्रयत्न। तबीयत। स्वरूप, स्वभाव। सवेरा, भोर, सुबह। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धूप में बाल सफ़ेद ना करना, अनुभवी होना। वाक्य, रामू काका धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, उन्हें बहुत अनुभव है। नेक्स्ट देखिए, नाक में दम करना, परेशान करना। बहुत दिनों से स्कूल बंद होने के कारण बच्चे घर में नाक में दम कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। वाक्य देखिए, इंसान को कभी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फ़ोन नंबर में अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ है शारीरिक शक्ति से ज़्यादा बुद्धि बड़ी है। वाक्य देखिए, तुम्हारी इस काम को देखकर मुझे अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत याद आ गई। नेक्स्ट देखिए, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल को काल का दो दो उदाहरण आपको लिखने होगा। तो बच्चों, सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप में कोई भी घटना होने का पता चले, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सोहन कल विद्यालय जाएगा। और संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके घटित होने की संभावना हो, यानी कोई काम होने का संभावना हो, उसे ही हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद कल मेरे मामा जी आएंगे। तो चलिए इसका दो उदाहरण दे देते हैं। सामान्य भविष्यत काल, वो कल खेलने जाएगा। दूसरा है, वो रात में सोएगा। संभाव्य भविष्यत काल, पहला उदाहरण शायद कल पिताजी आएंगे। दूसरा, संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाऊं। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। सम जोड़ तोष, संतोष। उत जोड़ लाश, उल्लास। दू जोड़ बल, दुर्बल। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। नेक्स्ट देखिए, नी जोड़ कारण, निष्कारण। सम जोड़ पति, संपत्ति। दिख जोड़ अंबर, दिगंबर। मना जोड़ रंजन, मनोरंजन। नी जोड़ जन, निर्जन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विभक्ति चिन्हों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कारक का ये विभक्ति चिन्ह है। बच्चों, कारक का विभक्ति चिन्ह 8 होते हैं और उसी विभक्ति चिन्ह से आपको वाक्य बनाना है। काके की, रारेरी, संबंध कारक का चिन्ह है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। माताजी के लिए चाय लाओ। के द्वारा अथवा से, के द्वारा करण कारक का चिन्ह है। चाचा जी हवाई जहाज के द्वारा असम गए। मे पर
अधिकरण कारक का चिन्ह है। चाय में मक्खी पड़ी है। अरे संबोधन, अरे ये क्या हो गया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।